पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बीती 9 मार्च को भारत से लॉन्च की गई एक मिसाइल पाकिस्तान में गिरी। पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ISPR के DG इफ्तिकार बाबर ने मीडिया को बताया कि ये सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल थी। भारत ने जानकारी दी है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि गलती से कौन सी मिसाइल दागी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद में जानकारी दी कि यह घटना निरीक्षण के दौरान एक मिसाइल के अनजाने में छोड़े जाने से संबंधित है। बाद में पता चला कि मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में गिरी थी। पाकिस्तान ने इस घटना की संयुक्त जांच की मांग की है, जिसे भारत ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। पाकिस्तान की वायुसेना ने एक बयान जारी कर बताया कि उन्होंने मिसाइल के मलबे को जब्त कर लिया है, और कई एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान इस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसकी तकनीक हासिल कर सकता है। ये सवाल बेमानी नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग वो तरीका होता है जिसके जरिए किसी मशीन के सभी हिस्सों को अलग अलग करके उसकी संरचना को समझा जाता है और फिर उसकी नकल कर ली जाती है। अक्टूबर 2020 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लंदन में पत्रकारों को बताया था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें गिराईं, तो उनमें से कुछ गलती से बलूचिस्तान में गिर गईं। इनमें जो साबुत बच गई थीं, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल हासिल की थी। भारत में पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित ने लिखा है कि उस समय अमेरिका ने अपनी मिसाइल के मलबे की वापसी को लेकर पाकिस्तान पर बहुत दबाव बनाया था। तब कई एक्सपर्ट ऐसे थे जो मानते थे कि पाकिस्तान इस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन 11 अगस्त 2005 को पाकिस्तान ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल बाबर का सफल परीक्षण किया। उस समय क्रूज मिसाइल की तकनीक पाकिस्तान समेत दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही थी। रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान के चन्नू इलाके में भारत की जो मिसाइल गिरी है, उसे सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल बताया गया है। ब्रह्मोस की रफ्तार आवाज से 3 गुना तेज है। क्रूज मिसाइलें 3 प्रकार की होती हैं। एक सबसोनिक, यानी जिसकी रफ्तार ध्वनि से कम होती है। दूसरी सुपरसोनिक, जो ध्वनि से 3 गुना तेज रफ्तार से चलती है। और तीसरी हाइपरसोनिक, जिनकी रफ्तार ध्वनि से 5 गुना अधिक होती है। पाकिस्तान के पास बाबर और राद नाम की सबसोनिक मिसाइलें हैं, जो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम हैं। भारत के पास रूस के सहयोग से बनी अति उन्नत सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें हैं। भारत एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइलें भी 4 तरह की होती हैं। इनमें सतह से सतह, आसमान से सतह, समंदर से सतह और समंदर के नीचे मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मिसाइलों में शामिल है। ये जमीन से कम ऊंचाई पर बहुत तेज रफ्तार से उड़ान भरती है, जिसकी वजह से इसे एंटी मिसाइल सिस्टम से पकड़ना आसान नहीं होता है। पाकिस्तान के पास सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक नहीं है। ऐसे में क्या भारत की मिसाइल पाकिस्तान के लिए ये तकनीक हासिल करने का मौका हो सकती है? सेंटर फॉर एयरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के निदेशक सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि चूंकि मिसाइल दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, इसलिए इसे वर्तमान स्वरूप में रिवर्स इंजीनियरिंग करना मुश्किल है। सैयद मोहम्मद अली कहते हैं कि अगर कोई हथियार या मिसाइल मूल स्थिति में भी मिल जाए, तब भी उसे देखकर रिवर्स इंजीनियरिंग करना अक्सर असंभव ही होता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के लिए काम कर रहे परमाणु सुरक्षा विशेषज्ञ मोहम्मद खालिद मानते हैं कि पाकिस्तान के लिए इस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करना आसान नहीं होगा, लेकिन वो इसके जरिए भारत की तकनीक का विश्लेषण जरूर कर सकता है। अमेरिका के मिडिलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर डॉक्टर जेफरी लुइस का कहना है कि पाकिस्तान के पास अपनी क्रूज मिसाइलें हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान भारतीय मिसाइल के मलबे का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना चाहेगा। इसके पहले दुनिया भर के कई देशों पर रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए सैन्य और गैर सैन्य तकनीक की नकल करने के आरोप लगे हैं। हाल ही में जब अमेरिका का अति उन्नत F-35 लड़ाकू विमान दक्षिणी चीन सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो उसके मलबे को हासिल करने के लिए अमेरिका और चीन के बीच होड़ शुरू हो गई थी। चीन अमेरिका की तकनीक तक पहुंचना चाहता था, लेकिन अमेरिका की अपने विमान के मलबे पर नजर थी और ये चीन के हाथ में नहीं पहुंचा। परमाणु हथियारों और मिसाइल तकनीक के प्रसार को रोकने के लिए एक प्रणाली है, जिसे MTCR कहा जाता है। फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इसराइल और भारत समेत 35 देश इसका हिस्सा हैं, लेकिन पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है।
इस व्यवस्था के तहत जो देश इस सिस्टम का हिस्सा हैं, वो एक दूसरे के साथ मिसाइल तकनीक साझा कर सकते हैं, लेकिन सभी सदस्यों को इसकी जानकारी देना जरूरी है। ये व्यवस्था इसीलिए है कि किसी गैर सदस्य देश के हाथों में ये तकनीक ना पहुंचे।